अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी एक यूकेरियोटिक सेल के सेंटर में मौजूद एक ऐसी ऑर्गेनेल जो एक सेल के नॉर्मल सारे फंक्शन कंट्रोल करती है और इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल को अगली नस्ल में ट्रांसफर करने के लिए भी उसी ऑर्गेनेल के अंदर हमारा जीनोमिक मटेरियल मौजूद होता है। तो आज हम जिस ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं वो है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियस क्या है, इट इज द डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल। ठीक है जी, न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसकी इनर एक आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये करती क्या है, ये बेसिक सेपरेट करती है किसको, प्रोक्रियोट्स को यूक्रियोट्स से। ठीक है जी, वैसे भी हम लोग जो नॉर्मल प्रोक्रियोट यूक्रियोट की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो क्या है, जिसके सेंटर में या जिस सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेनल न्यूक्लियस मौजूद है हम उसे यूकेरियोटिक सेल कहते हैं, जिसमें नहीं है हम उसे प्रोकेरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये क्या है, ये यूकेरियोटिक और प्रोकेरियोटिक में डिफरेंस करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा ये करती क्या है, ये कंट्रोल करती है ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। एक सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है जी, न्यूक्लियस। और कौन सा सेल, यूकेरियोटिक सेल। प्रोकेरियोटिक में क्या होता है, ये न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि सेल के अंदर फर्ज से बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं तो एक मटेरियल के सेंटर में क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्सल फॉर्म में मौजूद होता है। इस हिस्से को हम लोग न्यूक्लियोइड रीजन के नाम से भी पढ़ते थे। ठीक है जी, इस हिस्से को प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में हम लोग न्यूक्लियोइड रीजन, क्रोमेटिन रीजन, क्रोमोसोमल रीजन कहते हैं। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती और ये लाजमी के सेल के प्रोकैरियोटिक सेल के सेंटर में पाया जाए। तो जैसा काम यूकेरियोट के अंदर न्यूक्लियस कर रहा होता है उससे मिलता जुलता थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज के साथ प्रोक्रियोट के सेंटर में जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है या क्रोमोसोमल रीजन होता है जहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होकर मौजूद होता है वो वहां पे ये फंक्शंस कंट्रोल कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस की तरफ हम लोग चलते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से बना के रखे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो उसमें सबसे पहले आते हैं डिस्कवरी की तरफ, ये बेसिकली न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाला है वो है जी रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है जी, रॉबर्ट ब्राउन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी से पहले ये समझा जाता था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, उसने क्या कहा था, सेल क्या एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, रॉबर्ट हुक के मुताबिक सेल क्या था, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर था जो अंदर से क्या था, खोखला था, बिल्कुल होलो था। जब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 सेल थ्योरी की, एग्जैक्ट डेट डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मिलती रहेगी, कुछ में 1833 भी लिखा है, 32 भी लिखा है, 34 भी लिखी, जो एग्जैक्ट डेट है वो 1831 है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था 1831 में सेल के अंदर, ये एक बॉटनिस्ट था तो बेसिकली एक सेल के अंदर क्या किया था, इसने प्रोमिनेंट डार्क स्टेन ऑर्गेनिज्म डिस्कवर की थी जिसे न्यूक्लियस कहा गया। बाद में इस न्यूक्लियस को प्रोक्रियोट और यूकेरियोट में बेसिक ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल दर्जा दिया गया, जो क्या करती है, प्रोक्रियोट और यूकेरियोट को टोटली एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो जैसे रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिस्कवर किया तो जो होलो सेल की कंसेप्ट था वो रिजेक्टेड हो गया। इसके बाद बाकी साइंटिस्ट आए, उन्होंने न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं उसकी डिफरेंट किया। तो इसके बाद इसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल होता है डिस्पर्सल फॉर्म में जिसे हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, उसे बाद में डिस्कवर किया था जी वाल्टर फ्लेमिंग ने। ठीक है जी, वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इसने क्रोमेटिन डिस्कवर की थी। ठीक है जी, वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया था, इसने बेसिकली क्रोमेटिन को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन, इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और वाल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन को डिस्कवर किया था। इसके अलावा बाद में बाकी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी डिफरेंट और कुछ सेल में ये ओवल शेप का हमें नजर आता है। तो न्यूक्लियस की डिफरेंट सेल्स के अंदर जब हमने देखा है तो ये चार शेप हमें मिली है डिफरेंट प्लांट में, एनिमल से, एनिमल की बॉडी के डिफरेंट सेल में, प्लांट की बॉडी के डिफरेंट सेल में। जो हमने न्यूक्लियस की स्टडी की है तो हमें न्यूक्लियस डिफरेंट शेप में मिला। जो चार शेप हमें ज्यादा मिले वो क्या स्फेरिकल हो सकता है, जैसे कि ज्यादातर सेल में, जैसे मैंने भी जो डायग्राम बनाई है वो एक स्फेरिकल न्यूक्लियस की है। इसके अलावा रेक्टिकल हो सकता है,
से न्यूक्लियस होता है ये हमें अभी तक मिले हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियस के डायमीटर की बात करें तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 3 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर तक हमें मिलता है। डिफरेंट न्यूक्लियस में साइज के लिहाज से डायमीटर चेंज होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डायमीटर हमें न्यूक्लियस में मिलता है वो 5 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है जी, जो न्यूक्लियस नॉर्मली हम लोग सेल्स में स्टडी करते हैं उसका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, लेकिन लास्ट में ये 3 माइक्रोमीटर के भी न्यूक्लियस हमने डिस्कवर किए हैं और 25 के भी। इसके बाद नंबर की तरफ चलते हैं तो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट नंबर हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियस की तलाश के ऐसे देखें तो ऐसा सेल जिसमें एक न्यूक्लियस होता है उसे हम लोग मोनोन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल में ऐसा सेल जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं हम उसे डाई या बाइन्यूक्लिएटेड का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, अब ये पॉली बाई या डाई न्यूक्लिएटेड कौन से हैं? अगर हम लोग प्लांट की बात करें सॉरी एनिमल्स की बात करें तो उसमें पैरामेशियम, ठीक है जी, पैरामेशियम वो कहते हैं प्रोटोजोआ बेसिकली जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। मेगा न्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस क्या काम करते हैं हमने पैरामेशियम वगैरह में देखा हुआ है। उसके बाद तीसरी ऐसी टाइप है जिसमें 3 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉली न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, पॉली न्यूक्लिएटेड सेल क्या है? ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस 3 से ज्यादा हो तो हम उसे पॉली न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं तो बोन मैरो के अंदर, ठीक है जी, एक सेल होता है जिसे हम लोग पॉली कैरियोसाइट कहते हैं। ठीक है जी, जिसे हम लोग पॉली कैरियोसाइट कहते हैं। ये बोन मैरो के अंदर पाया जाने वाला सेल है जिसमें बहुत ज्यादा सेल न्यूक्लियस होते हैं। राउंड ऑफ रफली अगर हम लोग देखें तो कम से कम 100 से 1000 तक इसके दरमियान में डिफरेंट एनिमल के बोन मैरो में हमें न्यूक्लियस की तादाद मिली है पॉली कैरियोसाइट के अंदर। तो ऐसे सेल जिसमें 3 से ज्यादा न्यूक्लियस हो उसे पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल्स भी कहते हैं। अब उसके बाद इसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो इसके पार्ट्स जो बेसिकली हैं, पार्ट्स से पहले हम लोग इसकी लोकेशन की तरफ आते हैं। तो हम लोग पहले से जानते हैं जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, जबकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल आने की वजह से क्या होता है एक तरफ धकेल दिया जाता है, पुश हमें कर दिया जाता है पेरिफेरल पार्ट की तरफ। तो ये हमें प्लांट सेल में पेरिफेरल पार्ट की तरफ मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये सिर्फ हमें नॉन डिवाइडिंग स्टेज में मिलता है, डिवाइडिंग स्टेज में ये नहीं होता। इसके अलावा डिवाइडिंग स्टेज में जो टेलोफेज आती है उस फेज में हमें क्या होता है एक ही सेल एक ही न्यूक्लियस दो एक ही सेल में न्यूक्लियस दो किनारों में मिलता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की डिवीजन हो चुकी होती है, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होती है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ के न्यूक्लियस कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस में एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरे नंबर पे उसके अंदर न्यूक्लियर कोर, फिर उसके अंदर जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है तो न्यूक्लियस का भी एक साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और एट एंड इसका जेनेटिक मटीरियल। ठीक है जी, बेसिकली एक नॉर्मल जो एक टिपिकल न्यूक्लियस है वो इन चार चीजों से मिलकर बनता है, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जेनेटिक मटीरियल, और एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस और एक चीज होती है वो है जी न्यूक्लियोलस। ठीक है जी, जैसे सेल के सेंटर में न्यूक्लियस इस तरह न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है। अब देखते करते इसके पार्ट्स की स्टडी करते हैं। जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों के दरमियान स्पेस होती है जिसे हम लोग पैरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है जी, पैरी मेम्ब्रेन सॉरी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं पैरी न्यूक्लियर स्पेस। तकरीबन 1 नैनोमीटर तक का इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है कि पैरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है, ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम लोग पैरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं।
ठीक है जी। ये जो स्पेस है इसे हम किस नाम से पढ़ रहे हैं, पैरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो पैरी न्यूक्लियर स्पेस है ये तकरीबन 1 नैनोमीटर तक की इसकी जो बेसिकली लेंथ डिस्टेंस है इनर और आउटर मेम्ब्रेन में इतना होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट को न्यूक्लियस के कंपोनेंट से सेपरेट रखता है। लेकिन जैसे कि डेफिनेशन में हमने कहा कि ये एचपीवी इसको कंट्रोल करता है, तो ये अपने पैगाम साइटोप्लाज्म तक कैसे भेजता है, तो ये डिफरेंट केमिकल्स खासतौर पर मैसेंजर आरएनए बनाता है जिससे सेल्स को स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने में मदद मिलती है और वो प्रोटीन कोई ना कोई काम करती है। तो उन प्रोटीन के जो मैसेंजर आरएनए हैं वो न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में कुछ सुराख होते हैं, स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, उनके जरिए वो चीजें बाहर जाती हैं और इन न्यूक्लियर सुराखों को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है जी, इनको हम लोग इस नाम से पढ़ते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर क्या है, बेसिकली जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है ये एक पॉइंट पे जाके डिसकंटिन्यूअस होती है फिर दोबारा से कंटिन्यूअस होती है, वो जगह पे डिसकंटिन्यूअस होती है वहां पे पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ज्यादा दिखाना कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने सिर्फ एक दिखाया, अगर हम लोग इसको ही बढ़ा करके देखें तो बेसिकली ये कुछ ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है जो एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो चुकी है और यहां पे क्या होता है पोर। इसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं और इसकी मतलब डिटेल से वीडियो मेरी बाद में आने वाली है। अब न्यूक्लियर पोर क्या है, जो कि डिफरेंशिएटेड सेल है जिनका हमें पता है कि उसने क्या काम करना है। डिफरेंशिएटेड सेल में ये 3-4 हो सकते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं इनके अंदर ये 3 से 4 होते हैं। ठीक है जी, डिफरेंशिएटेड सेल्स में न्यूक्लियर पोर्स स्पेसिफिक होते हैं, पता होता है कि इतने हो सकते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स में 3 से 4, जबकि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें ये लाखों की तादाद में सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोनिक सेल या एग सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है ये 1000 से भी ज्यादा 1000 से ज्यादा हो सकते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के बाद दूसरा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है जी, अब हम लोग चलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये साइटोप्लाज्म है किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, ये क्या है, नेचर कैसी होती है इसकी, ये सेमी सॉलिड है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स कंसंट्रेशन होती है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के जो बाकी डिफरेंट नेम्स हैं, इसे न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, इसे कैरियो लिम्फ भी कहते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियोप्लाज्म के डिफरेंट नाम हैं जो दो इसके अलावा इस्तेमाल होते हैं वो क्या, न्यूक्लियर सैप और कैरियो लिम्फ। कैरियो का हम लोगों को पता है कि ग्रीक वर्ड से निकला है कैरियोन, कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, तो कैरियोन लिम्फ के न्यूक्लियस के अंदर जो एक अनडिफरेंशिएटेड लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग लिम्फ का नाम दे देते हैं, इनवर्टेब्रेट में हम उनके ब्लड को लिम्फ का नाम देते हैं। तो इसके जो कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि इसके अंदर जो होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म की कंसंट्रेशन है इसमें इसके अंदर सबसे पहले आती है प्रोटीन। इन प्रोटीन की भी दो टाइप है, बेसिक और एसिडिक। ठीक है जी, बेसिक प्रोटीन कौन कौन सी हैं, वो जो हमने डीएनए वगैरह पढ़ी है, आर्जिनिन, लाइसिन, जबकि एसिडिक में क्या आती है, फॉस्फो प्रोटीन, या हम लोग इसे फॉस्फो एसिडिक प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन के लिहाज से हम लोग देखते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, प्रोटीन होती है, उसके बाद एंजाइम्स होते हैं। अब कौन सा एंजाइम, डिवीजन के फेज के दौरान जो क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर होता है, एस फेज,
होता है उसकी जो डुप्लीकेशन होती है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेटाफेज के अंदर आरएनए पॉलीमरेज तकरीबन तीन होता है डीएनए पॉलीमरेज कुछ कोफैक्टर्स आयंस ठीक है जी इस तरह की केमिकल्स की कंसंट्रेशन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है अब जो न्यूक्लियस का तीसरा हिस्सा आता है वो कौन सा जी ये न्यूक्लियोलस है तो न्यूक्लियोलस क्या है जैसे सेल के सेंटर में डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं इस तरह न्यूक्लियस के सेंटर में डार्कली स्टेन्ड लेकिन इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती नॉन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं कुछ सेल में एक है कुछ में दो है कुछ में इससे ज्यादा हो सकता है इसका काम क्या है बेसिकली ये प्रीकर्सर्स को जोड़ के मैसेंजर आरएनए बनाता है राइबोसोमल आरएनए बनाने में इसका इन्वॉल्वेशन राइबोसोमल आरएनए जब बनता है वो न्यूक्लियोलस के प्रीकर्सर ये प्रीकर्सर्स को जोड़ता है और बनाता है वो प्रीकर्सर्स कहां पे होते हैं इस न्यूक्लियस के दो रीजन होते हैं पेरिफेरल और सेंट्रल ठीक है जी पेरिफेरल फिब्रस और सेंट्रल ग्रैनुलर रीजन होते हैं जिनकी जिनमें डिफरेंट कंपोजिशन के केमिकल्स होते हैं जिन्हें जोड़ के राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन्स मैसेंजर आरएनए वगैरह को बनाने की इनिशिएशन होती है तो ये उनमें काम आ रहा होता है इसके अलावा इसके अंदर जो आखिरी टाइप है वो है क्रोमाटिन ठीक है जेनेटिक मटेरियल जो हमने पढ़ना है उसकी अब देखते हैं स्टडी ठीक है अब क्रोमाटिन क्या है ये जो ब्लू कलर का आपको डायग्राम में कुछ लाइनें नजर आ रही हैं ये क्या है डिवीजन जब नहीं हो रही होती तब जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्सल फॉर्म में मौजूद होता है बिखरा पड़ा होता है उस बिखरे पड़े हुए डिस्पर्सल जेनेटिक मटेरियल का हम लोग क्रोमाटिन कहते हैं जैसे डिवीजन होने लगती है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है तबाह कर दिया जाता है और जो ये क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होता है और एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है ठीक है यही क्रोमाटिन क्या कहता है एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स अब ये क्रोमोसोम क्या है क्रोमाटिन मटेरियल की फर्ज करिए कुछ इस तरह डिस्पर्सल फॉर्म में मटेरियल था इसकी कंडेंसेशन से एक स्ट्रक्चर बनता है इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं क्रोमोसोम क्या कहते हैं सिर्फ डीएनए के द्वारा नजर आते हैं इनके पास हेरिडिटरी मटेरियल है जीन्स होती है जो एक नसल से दूसरी नसल में ट्रांसफर होती है माइटोसिस में ये क्रोमोसोम ही सेपरेट होते हैं मियोसिस में भी ये क्रोमोसोम ही सेपरेट होते हैं अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो ये स्पेसिफिक होते हैं ठीक है जी ये स्पेसिफिक होते हैं तो स्पीशीज कैसे जी अगर इंसान की बात की जाए तो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक इंसान में 26 फ्रॉग में 48 चिंपैंजी में ट्वेंटी कॉर में ठीक है जी इसके अलावा अगर हम लोग ड्रोसोफिला की बात करें तो फ्रूट फ्लाई में 8 फ्रूट फ्लाई के बाद 14 होते हैं पी प्लांट में मटर का पौधा जिसमें हम लोग कहते हैं इसके अलावा क्रोमोसोम की तादाद के लिहाज से भी सेल्स की दो टाइप का कौन कौन सी डिप्लॉयड जिसे हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं और हैप्लॉयड जिसे हम लोग गैमेटिक सेल्स का नाम देते हैं या गैमेटिक सेल्स भी कहते हैं तो हर एक जानदार में स्पीशीज में एक फिक्स्ड कैरियोटाइप यानी कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स तो इंसान की बात करें तो 46 है जिस स्पीशीज में जिस एनिमल में 46 क्रोमोसोम हो हमने इंसान का नाम कहते हैं जिसमें 26 हो वो फ्रॉग है जिसमें 48 हो वो क्या है चिंपैंजी है अगर कोई वेरिएशन ना आए जैसा कि नॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ना आए तो ये नंबर्स इसी तरह स्पेसिफिक ही रहते हैं और यही कह रहा है किसी स्पीशीज की डिफरेंशिएशन करवाती है वो डिफरेंशिएशन अपने ही स्पीशीज वाले शख्स से हो सकती है वो डिफरेंशिएशन दूसरी स्पीशीज से भी हो सकती है जैसे कि इंसान की बात की है तो इंसान में 46 क्रोमोसोम है तो ये इंसान है ये कह रही इसकी कैरियोटाइप में 46 अगर 47 भी हो जाए तब भी हम लोग इसे इंसान कह सकते हैं लेकिन ये नॉर्मल
उसके अंदर डिफरेंट क्या उसके अंदर वेरिएशन आती है, वो सेल एल्गी भी हो सकता है, वो क्या होता है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह के कंडीशन में जा सकता है। इसके अलावा 46 किसी भी दूसरे एनिमल में, जैसे चिंपैंजी की बात करें तो इसमें 48 है, हम इसे इंसान नहीं कह सकते, भले इंसान में 46 होते हैं। तो कैरियोटाइप में क्रोमोसोम के जो नंबर्स हैं, कलेक्शन है, ये उसे अपनी ही स्पीशीज के वेरिएटेड एनिमल से, जिसे हम लोग म्यूटेंट भी कह सकते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज से डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बेसिकली न्यूक्लियस के रोल की तरफ आते हैं, तो न्यूक्लियस क्या काम करता है, इंपॉर्टेंस क्या है न्यूक्लियस की, तो उसकी तरफ देखते हैं। तो अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहली वजह ये सेल की एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं, कि सेल ने जो कुछ करना है वो न्यूक्लियस के जिम्मे है। इसके अलावा हमने डिफरेंट आपने डिफरेंट डेवलपमेंट के चैप्टर्स में पढ़ लिया होगा कि हैमरली एक साइंटिस्ट था, ठीक है जी, इसने बताया था कि डेवलपमेंटल रूल क्या है, ठीक है जी, इसने बताया था कि न्यूक्लियस क्या है, डेवलपमेंटल रूल क्या है। वहां पे इसने एक एल्जी की एग्जांपल दी थी, क्रोनोमेटा, ठीक है जी, मेडिटेरेनियन और क्रोनोमेटा, ये दो एल्जी थी जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रिलेशनशिप दिखाई गई है कि किस तरह ये डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक मेजर ऑर्गेनली है यूकेरियोटिक सेल्स की जो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रही है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, आपके लेक्चर कैसा लगा है इसका मतलब मुझे कमेंट्स में अपना